गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह. आज का जो हम साइकोलॉजी के अंदर यानी कि मनोविज्ञान के बारे में जो हम पढ़ रहे थे उसके अंदर आज हमारा टॉपिक बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस है. इससे पहले वाली क्लास के अंदर आप मेरे सारे वीडियोस देख चुके हैं, देख सकते हैं, और जो हमारे हम पहले कर चुके हैं साइकोलॉजी क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है एजुकेशन और साइकोलॉजी. और इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपके साथ 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं. ठीक है, उसके अंदर मैंने बुद्धि के बारे में आई थिंक 5 क्वेश्चंस आपके लिए इंक्लूड किए थे. तो अभी इस क्लास में मैं बीच बीच में आपसे वो क्वेश्चंस पूछ लूँगी ताकि वो आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए. ठीक है, तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है हमारा बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस. देखिए, सबसे पहले बुद्धि सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है, जो हमारा दिमाग है वही चीज़ तो है बुद्धि. और बुद्धि शब्द आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली में आप कई बार सुनते होंगे, अपने मॉम डैड से पढ़ते हुए, अपने द्वारा छोटे छोटे एग्जांपल्स आपको पता है. आप घर में जैसे कोई काम करते हैं तो कोई काम आप गलत कर देते हैं तो आपकी जो मम्मा हैं पापा हैं वो भी आपको जैसे टोंट मारते हुए या डांटते हुए बोलते हैं, बुद्धि काम नहीं कर रही क्या तेरी, ये काम गलत कर दिया. तो इसीलिए क्या कि जब हमारी अक्ल काम नहीं करती यानी कि हमारी बुद्धि काम नहीं करती किसी काम को करने के लिए. ठीक है, तो हम कोई भी काम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, अपना मेंटल एबिलिटी यानी कि बुद्धि का यूज़ करते हैं. वो काम कोई भी हो सकता है, चाहे आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप कोई गेम खेल रहे हैं, सो रहे हैं. सोने में भी ये नहीं है कि हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही, वो जो हमारी मेंटल एबिलिटीज़ की एक्टिविटीज़ हैं वो चलती रहती हैं क्योंकि कॉन्शियस माइंड होता है. ठीक है, अनकॉन्शियसली आप बिल्कुल अनकॉन्शियस माइंड में भी आप क्या रहते हैं, हमारा दिमाग चलता रहता है, उसके अंदर थॉट्स आते रहते हैं. जैसे आप ड्रीम्स देखते हैं, सपने देखते हैं, तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ चलता रहता है. ठीक है, और आप बोल चाल करते हैं किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, उसके अंदर भी आपकी बुद्धि का प्रयोग होता है. जब तक आपके माइंड में कोई थॉट्स नहीं आएंगे आप सामने वाले को क्या बोलेंगे. ओके, तो पता चली गई आपको कि बुद्धि क्या होती है, जो हम आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जो हम काम करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, बुद्धि का यूज़ करके करते हैं यानी कि अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करके करते हैं. ओके, अब इसके बाद इसके ऊपर कुछ जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपनी डेफिनेशंस दी हैं और उसके बाद किसी ने अपने पॉइंट्स दिए हैं तो उसमें डिस्कस कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है. वैसे पहली बात, बुद्धि क्या होती है, तो बुद्धि क्या होती है जिसके अंदर हम अपने माइंड का यूज़ करते हैं. और कोई भी काम करने के लिए हम बुद्धि का यूज़ करते हैं, जैसे बोलना, लिखना, अन्य कोई कार्य. ठीक है, अब इसके बाद जो साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में वो देख लेते हैं. पीवी वनन के अनुसार, पी ई वनन के अनुसार क्या बात कही गई थी, इन्होंने पी ई वनन ने 3 फैक्ट्स दिए थे, 3 तत्व दिए थे कि जो हमारी बुद्धि है वो क्या है. उसके अंदर फर्स्ट आता है हमारा बुद्धि एक जैविक प्रक्रिया. देखिए, पी ई वनन ने क्या कहा था कि बुद्धि एक जैविक प्रक्रिया है. जैविक मतलब जो हमारे हमें हेरिडिटी और जीन से मिलती है, जो हमें अपने माँ बाप के थ्रू मिलती है. मतलब बुद्धि जो हमारा मेंटल एबिलिटी है, हमारी इंटेलिजेंस है, वो हमें हेरिडिटी या जीन्स के थ्रू अपने माता पिता और पूर्वजों से प्राप्त होती है. अगर आपके माता पिता का IQ लेवल या मेंटल या इंटेलिजेंस लेवल जो है वो 70 और 79 के बीच का है तो आप हद से हद उसको एनवायरनमेंट से इफ़ेक्ट करके अपने लिए
80 और 85 की रेंज में रख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। तो पी वनन के अनुसार क्या बात कही गई है कि बुद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, वो हमें हेरिडिटी के थ्रू प्राप्त होती है, जिसके लिए बाद में चल के बच्चा और फिर बच्चों के भी बच्चे, उसके भी बच्चे, वो क्या करते हैं, ऐसे बुद्धि ट्रांसफ़र होती जाती है पीढ़ी दर पीढ़ी, और वो चल के आगे अपने उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर उसके माँ बाप फॉर एग्ज़ाम्पल हमेशा बोलते हैं कि जो एजुकेटेड फैमिलीज़ होती है, जिसके पेरेंट्स बहुत पढ़े हुए होते हैं, डॉक्टर होते हैं तो उसके बच्चे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर है तो उसके बच्चे इंजीनियर बनते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास है या बिल्कुल लो क्लास कैटेगरी है उसके बच्चे वहीं रह जाते हैं, ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाते हैं। लेकिन हम उसको कई बार ही क्या है, अपने एनवायरनमेंट के थ्रू, यानी कि अगर आप ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएटेड है आपके लिए, जहाँ पे पढ़ाई लिखाई से संबंधित बातें हों और बहुत अच्छा आपको सोशल एनवायरनमेंट मिले आपका, तो बच्चा क्या है उससे इफ़ेक्ट होके कहीं ना कहीं तरक्की कर लेता है। अब इसके अंदर जो हमारा सेकेंड पॉइंट रखा था पीई वनन ने, वो रखा था बुद्धि एक परीक्षण प्राप्त अंक है, मतलब इंटेलिजेंस इज अ टेस्ट स्कोर। इन्होंने कहा था कि जो हमारी बुद्धि है ना, वो एक टेस्ट स्कोर है। केवल बुद्धि को हम इसीलिए यूज़ करते हैं या इसीलिए चलाते हैं ताकि हम एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स अचीव कर सके, एकेडमिकली रिकॉर्ड हमारा अच्छा हो सके और हमें किसी भी प्रकार के जो है वहाँ पे स्कोर अच्छा कर सके, जिससे हमारे लिए आगे हमारे फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल हो। क्योंकि जो आगे आप कहीं पर भी इंटरव्यूज़ के लिए जाएंगे या फिर कॉलेज में अप्लाई करेंगे किसी भी स्ट्रीम के थ्रू, जो भी आपको बनना है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, परसेंटेज चेक की जाएगी, मार्क्स चेक किए जाएंगे, ग्रेड्स चेक किए जाएंगे। तो इसीलिए वहाँ पे क्या पी वनन ने क्या कहा कि पहली चीज़, बुद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, हेरिडिटी के थ्रू हमें मिलती है। बुद्धि एक परीक्षण प्राप्त अंक है कि केवल उसको हम अंक प्राप्त करने के लिए, यानी टेस्ट स्कोर करने के लिए यूज़ करते हैं। और लास्ट है बुद्धि व्यवहार में परिवर्तन। लास्ट इन्होंने क्या कहा है कि बुद्धि को हम उस रूप में रखते हैं कि जो भी बच्चा व्यवहार कर रहा है अपने एनवायरनमेंट में, अपने फ्रेंड्स के साथ, माता पिता के साथ, अपने पेरेंट्स अपने टीचर्स के साथ, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ जो भी व्यवहार कर रहा है वो बुद्धि है। क्योंकि बच्चा क्या है, व्यवहार के बुद्धि के थ्रू ही तो व्यवहार करेगा। अगर मेरे दिमाग में ये बात आई नहीं रही है कि इस स्टेज में जो मैं अभी आपके सामने प्रेजेंट हूँ, यहाँ पे मुझे कैसे शब्द यूज़ करने हैं, कैसी बातें यूज़ करनी हैं, कोई नॉनसेंस वाली चीज़ें नहीं करनी हैं, तो क्या अगर मेरे माइंड में ये थॉट्स नहीं आएंगे तो यहाँ पे भी मैं शायद उल्टी फुल्टी हरकतें कर सकती हूँ आपके सामने, ठीक है। तो क्या है, हर काम को करने के लिए हमारी इंटेलिजेंस का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अपने कोई भी बिहेवियर करने के लिए यूज़फुल करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है, तो वहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस जो है वहाँ पे काम नहीं करती है। तो पीई वनन के अनुसार आपको पता चल गए तीन बातें कही थी इन्होंने, कि बुद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, बुद्धि एक परीक्षण प्राप्त अंक है और बुद्धि व्यवहार में परिवर्तन है। इसके बाद सेकेंड आए हमारे थ्रोनडाइक, थ्रोनडाइक के अनुसार। अब बात आती है कि थ्रोनडाइक ने क्या कहा, थ्रोनडाइक के अनुसार बुद्धि को कैसे समझा गया, कैसे रखा गया, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे। सबसे इम्पॉर्टेंट है थ्रोनडाइक की, इसको ध्यान से समझना। इसमें फर्स्ट कहा गया था थ्रोनडाइक ने सामाजिक बुद्धि, थ्रोनडाइक के अनुसार सामाजिक बुद्धि कैसे कहा गया था बच्चे की, कि बच्चे के अंदर अगर इंटेलिजेंस है तो इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसकी सामाजिक बुद्धि हो, मतलब वो अपने एनवायरनमेंट के साथ समायोजन कर सके, एडजस्ट कर सके,
कोई भी काम कर रहा है तो बाकियों की हेल्प कर सके, सपोर्ट कर सके, उनकी वैल्यूज़ को समझ सके, नैतिकता को समझ सके, ये सारी चीज़ें किस में रखी गई थी, सामाजिक बुद्धि के अंदर, यानी कि थ्रॉनडाइक के अनुसार बच्चे की बुद्धि इस रूप में डेवलप होनी चाहिए कि उसका सामाजिक विकास से जुड़ाव हो, यानी कि सामाजिक बुद्धि उसके अंदर होनी चाहिए ताकि वो अपने एनवायरमेंट के साथ समायोजन कर सके, किसी भी अपने फ्रेंड के अगर वो प्रॉब्लम है तो उसकी हेल्प कर सके, नैतिकता यानी कि वैल्यूज़ रख सके, कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहे हैं मॉरल वैल्यूज़ उसके अंदर डेवलप होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें क्या हैं, सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद हमारा जो सेकेंड पॉइंट बताया था थॉर्नडाइक ने वो था मूर्त बुद्धि। यानी कि कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, इसके अंदर क्या कहा गया था कि कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस के अंदर बच्चे को वस्तु स्थापित यानी कि ऑब्जेक्ट जो हो उसके सामने, जो हमारा सेकंड पॉइंट है मूर्त बुद्धि यानी कि कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, इसके अंदर थॉर्नडाइक ने क्या कहा था कि बच्चे के सामने जो ऑब्जेक्ट्स उपस्थित हो पहले वो उन्हें देखे, समझे और उसके बारे में अपना दिमाग चलाए कि वो चीज़ है क्या, क्यों है, उसका कलर कैसा है, उसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, सब चीज़ें क्या है, अचीव करें और फिर उसको अपनी भाषा में प्रयुक्त करें। यानी कि कंक्रीट वाली स्टेज के अंदर बच्चा किसी भी ऑब्जेक्ट की परफॉर्मेंस को देखता है, समझता है, सोचता है, बाद में उन वस्तुओं के बारे में अपने इंटेलिजेंस के द्वारा सोच विचार करके अपने शब्द प्रयुक्त करता है। थर्ड इसमें आता है अमूर्त बुद्धि। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। थर्ड क्या है हमारा एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। थॉर्नडाइक ने तीन दिए हैं, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के अंदर क्या कहा गया है कि बच्चे के अंदर इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए उसकी उम्र के हिसाब से, अगर 10 साल का बच्चा है तो उसमें इतनी थिंकिंग या इतनी इंटेलिजेंस डेवलप हो जानी चाहिए कि अगर मैं उसको ताजमहल के बारे में पढ़ाऊं तो उसके माइंड में क्या है, एकदम से ताजमहल की इमेज क्रिएट हो जाए कि कैसे वो बना हुआ है, किस उसका कलर क्या है, उसके आसपास का इलाका कैसा है, कैसे किसने बनाया, क्यों बनाया, ये सारी इमेजेस क्या हैं उसके माइंड में 1-to-1 क्रिएट होती चले जाए। तो इसीलिए थॉर्नडाइक ने बोला कि अमूर्त बुद्धि के कारण, अमूर्त बुद्धि अगर बच्चे के अंदर होगी तो वो क्या करेगा, जो चीज़ें उसके सामने नहीं है, उपस्थित नहीं है, प्रेजेंट नहीं है ऑब्जेक्ट के थ्रू, उसके बारे में भी बच्चा सोच विचार कर सके। ठीक है, अब जो इसकी डेफिनेशन थी बुद्धि की, इंटेलिजेंस की, PE1N के अनुसार हमने पढ़ ली, उन्होंने भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था, और जो थर्ड है और सेकंड थे हमारे थॉर्नडाइक के अनुसार, उन्होंने भी तीन पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है। अब इसके बाद पढ़ते हैं इंटेलिजेंस क्वेश्चन। अब हमारा जो इसी के अंदर इंटेलिजेंस के अंदर अभी हमने डेफिनेशन समझ ली है PE1N के द्वारा, उसके बाद थॉर्नडाइक की समझ ली थी, उसको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था। अब हम पढ़ेंगे बुद्धि लब्धि क्या है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, वो मैं इधर लिख देती हूँ, आपको मुझे बताना है, क्योंकि मैंने इससे पहले जो आपके 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे उससे रिलेटेड है। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। ओके, ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेशन में आंसर करके बताना है कि तीन खंड बुद्धि का यानी कि 3-फैक्टर थ्योरी हमारी किसके द्वारा दी गई थी। अब आते हैं बुद्धि लब्धि यानी कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन के ऊपर कि ये होता क्या है। इसके अंदर एक फॉर्मूला रखा गया है जो हमारा IQ लेवल टेस्ट करता है, IQ इसको हम बोलते हैं। ठीक है, आपने नॉर्मली
अपने क्लास में, स्कूल में, फैमिली में और बाकी सभी चीज़ों में ना ये नॉर्मली सुना होगा कि आईक्यू लेवल क्या होता है, तेरा आईक्यू कम है क्या, ऐसी बातें सुनी होगी, लेकिन आपको प्रॉपरली नहीं पता कि आईक्यू लेवल होता क्या है बच्चे का, कैसे निकाला जाता है, कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है। आप बता सकते हैं मेरा आईक्यू लेवल कितना है? नहीं बता सकते ना ऐसे, ना ही मैं किसी और का बता सकती हूँ कि उसका आईक्यू लेवल इतना है या उसका उतना है, ठीक है। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला है, आईक्यू को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जो हमारे विलियम स्टर्न ने दिया था 1912 में विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया था, ठीक है। आईक्यू लेवल से क्या होता है, हम ये जज कर सकते हैं कि बच्चा किस लेवल पे है, मतलब वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मीडियम है, या बहुत ज़्यादा स्लो है, किसी चीज़ को धीरे धीरे सीखता है, या मेंटली रिटायर्ड है जिसको हम बोलते हैं, और जैसे मूड बुद्धि होती है, जड़ बुद्धि का बालक होता है। जड़ बुद्धि के बालक को क्या है, हम कुछ भी चीज़ नहीं सिखा सकते हैं। ये सारे मैं आपको एक टेबल बना के दे दूँगी, उसके थ्रू समझाऊँगी ताकि आपको जल्दी याद हो। अभी हम बात कर लेते हैं आईक्यू लेवल कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी का, ठीक है। तो आईक्यू लेवल फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका, एम ए प्लस सी ए इंटू 100, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं एम ए क्या होता है। एम ए होता है मेंटल एज, मेंटल एज। और सी ए हमारा क्या होता है, सी एज होता है क्रॉनिकली एज या फिर रियल एज। मैं यहाँ पर रियल एज लिख देती हूँ, ठीक है। मेंटल एज क्या होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास अपनी आयु वर्ग के अन्य व्यक्तियों की तुलना में कितना है, वो हमारी मानसिक आयु होती है। फॉर एग्जाम्पल, मानसिक आयु क्या होती है हमारी, मेंटल एज क्या होती है। अगर कोई 5 साल का बच्चा है लेकिन वो 10 साल के बच्चे के अकॉर्डिंग अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकता है, या फिर मैथ्स के सम या फिर साइंस ये सब सॉल्व कर सकता है, तो उसका क्या होगा, मेंटल एज उतनी ही मानी जाएगी। बेशक वो बच्चा 5 साल का है लेकिन अगर वो 10 साल के बच्चे के मैथ सॉल्व कर रहा है, सम निकाल रहा है, साइंस को समझ रहा है, तो उसकी जो मेंटल एज मानी जाएगी वो 10 मानी जाएगी उसकी। लेकिन रियल एज क्या है, वो है हमारी 5 ईयर। तो हमारी मेंटल एज हो गई 10 और रियल एज हो गई हमारी 5, ठीक है। आपने वो मूवी देखी होगी कोई मिल गया, ऋतिक रोशन और जो प्रीति जिंटा की है, उसके अंदर क्या होता है, जब उसको शक्ति आ जाती है ऋतिक रोशन के अंदर, तो आपने चेक किया था ना उसकी शक्ति के अंदर, उसमें मूवी में दिखाया था कि वो 10th क्लास के सम भी सॉल्व कर देता है, पहले वो नहीं कर पाता है लेकिन वो 8वीं क्लास या 8th क्लास में था, मुझे याद नहीं ठीक से, 8th क्लास में होता है, तो वो क्या करता है अपने 10th क्लास यानी कि अपने ऊपर की अवेलेबल से, यानी कि जो उसकी उम्र है, उम्र तो उसकी ज़्यादा थी, वो मेंटली रिटायर्ड उसमें दिखाया गया था, लेकिन जितनी उसकी बुद्धि थी वो क्या एकदम से इंक्रीज हो जाती है, वो 10th क्लास के सम सॉल्व करने लग जाता है। तो फिर हम उसको क्या करते हैं, वो जो उनका प्रिंसिपल होता है वो उनको उसको 10th क्लास में ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि उसकी मेंटल एबिलिटी उतनी हो जाती है। तो उसमें मेंटल एज उसकी क्या रखी जाएगी, 10th, और उसकी रियल एज रखी जाएगी जो भी उसकी रियल एज है, क्या वो 20 साल का है, 21 साल का है, 5 साल का है, 2 साल का है, जो भी उसकी रियल एज होगी, ठीक है। तो आपको पता चल गया फॉर्मूला, एम ए अपॉन सी ए इंटू 100, ये हमारा 1912 में विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया था, याद रखना, क्योंकि कई बच्चे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमारा जो बुद्धि परीक्षण है, इंटेलिजेंस जो टेस्ट दिया गया था वो बीने के द्वारा दिया गया है, ठीक है। लेकिन जो आईक्यू का वो दिया गया था फॉर्मूला, वो हमारा विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया है। अभी हमने बुद्धि लब्धि के बारे में पढ़ा था कि आईक्यू लेवल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो मैंने बता दिया था आपको, मेंटल एज अपॉन में सी ए जो उसकी रियल एज है इंटू में 100, ऐसे करके हम किसी की भी आईक्यू लेवल निकाल सकते हैं कि उसका आईक्यू लेवल क्या है। अब जो हमारा पॉइंट है उसके बाद
बुद्धि लब्धि के मान व अर्थ, वैल्यू ऑफ आईक्यू एंड देयर मीनिंग्स। आईक्यू लेवल निकालने के बाद उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है, किस स्टेज पे रखा जाता है, वो टेबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम के एग्जाम में भी पूरे 5 क्वेश्चंस इसी टेबल से बने थे, ठीक है। तो इसीलिए आप देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। अब ये जो हमारा आईक्यू लेवल है ना, ये हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड किए हुए हैं कि किस आईक्यू लेवल बच्चे को किस कैटेगरी में रखा जाता है। हम तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे समझते हुए कि क्या होता है। सबसे नीचे जो आता है वो आता है 20 या इससे कम, यानी कि 20 और इससे कम आईक्यू लेवल वाले बच्चों को क्या बोलते हैं, जड़ बुद्धि यानी कि इडियट, ठीक है। ये बच्चे कौन होते हैं, इडियट जिनको बोलते हैं जड़ बुद्धि बालक, ये लास्ट ईयर एग्जाम के क्वेश्चन में आया था, सी टैट में भी और आपके DSSB में भी। ये वाले कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके जिनको कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता, क्या फैमिली कितनी कोशिश कर ले, टीचर कितनी कोशिश कर ले, उसके फ्रेंड्स घर वाले कुछ भी कोई भी कोशिश कर ले, जड़ बुद्धि बालक को हम कुछ भी सिखा नहीं सकते, उसमें कोई उसके इंटेलिजेंस में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है 20 से 59 तक जो आईक्यू लेवल है, 20 से 59 तक आईक्यू लेवल के बच्चों को बोलते हैं हीन बुद्धि। ये वाले बच्चे भी क्या होते हैं, ये भी ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सकते, अगर इनको बहुत ज़्यादा कोशिश की जाए, बार बार की जाए, रोज़ एक एक घंटे में दो दो तीन तीन बार की जाए, तो ये कहीं जाके 10 और 20% ही सीख पाते हैं, इससे ऊपर नहीं सीख पाते हैं। उसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट मूढ़ बुद्धि भी पूछा गया था, 60 से 69 तक मूढ़ बुद्धि बालक होते हैं, ठीक है। इनको भी क्या होता है, 30 और 40% आप इनको सिखा सकते हैं बहुत मशक्क़त करने के बाद। इस जो टेबल मैं आपको समझा रही हूँ, इस टेबल के बेनिफिट्स क्या हैं, आपको आपसे एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि मूढ़ बुद्धि बालक का जो आईक्यू है वो कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन में देकर कि 60 to 69 तक का मूढ़ बुद्धि बालक होते हैं, ठीक है, तो याद रखना। और कई उल्टा भी करके पूछ लेते हैं कि 60 to 69 तक का जो आईक्यू लेवल है वो किन बच्चों का होता है, तो मूढ़ बुद्धि, ओके। उसके बाद आता है, यहाँ से हमारी स्टेज शुरू होती है, इसमें सबसे ज़्यादा जो नीचे के तीन हैं, मूढ़ बुद्धि, हीन बुद्धि और जड़ बुद्धि, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जड़ बुद्धि है, क्योंकि वो पूछ लेते हैं कि उसका आईक्यू लेवल कितना है, 20 या इससे कम, ठीक है। अब आता है 70 व 79 तक के बच्चे, 70 से 79 तक के बच्चे जिनका आईक्यू लेवल होता है वो होते हैं सीमांत मुद बुद्धि, यानी कि बॉर्डर लाइन होते हैं, उनको हम किसी भी थ्रू सिखा सकते हैं, मतलब उनकी स्किल्स को हम डेवलप कर सकते हैं, उनको पढ़ा के, समझा के, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करा के हम सिखा सकते हैं, मतलब ये बच्चे आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। ये वाला इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे हमारा। उसके बाद आता है 80 से 89 तक बच्चे क्या होते हैं, मंद यानी कि डल होते हैं, मतलब बिल्कुल मेंटली रिटायर्ड नहीं होते हैं, डल होते हैं थोड़े से, उनको हम किसी भी थ्रू सिखा सकते हैं। जो सामान्य बच्चे होते हैं और जो बिल्कुल रिटायर्ड बच्चे होते हैं उनके बीच के होते हैं मंद यानी कि डल होते हैं, उनको हम कोई भी चीज़ सिखाते टाइम 3-4 बार प्रैक्टिस करा के, रिकॉल करवा के और एक्सरसाइज करा के उसके थ्रू क्या है हम सिखा सकते हैं कोई भी चीज़, ठीक है, डल हो गया। इसके बाद आता है 90 से 109 तक के बालक यानी कि सामान्य बालक, ठीक है। ये मुझ जैसे, आप जैसे होते हैं, शायद आप जैसे जो पढ़ रहे हैं मुझसे, उसमें सुपीरियर, वेरी सुपीरियर और जीनियस बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ, मैं तो नॉर्मल में से हूँ, सामान्य बालक। तो आप लर्न भी करें ना, तो ऐसे ही कोरिलेट करके लर्न करिएगा कि आप किस कैटेगरी में हैं, आपके फ्रेंड्स किन के कैटेगरी में हैं, को तो आपको ऐसे जल्दी लर्न होगा, तो आप भूल नहीं पाएंगे कि आपकी जो बुद्धि लब्धि है यानी कि आईक्यू लेवल है वो कितना है, ठीक है। तो यानी कि 90 से 109 तक जो रखे गए हैं आईक्यू लेवल के बच्चे वो सामान्य होते हैं, नॉर्मल, उनको कोई भी चीज़ सीखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर कोई बहुत ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट टीचर उनको पढ़ा रही है तो उनको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत होती है, बाकी वो जल्दी से सीख जाते हैं, और वो इतने डल नहीं होते कि एक चीज़ को 10-10 बार बोला जाए तब भी उनके दिमाग के ऊपर से चली जाए, तो यानी कि सामान्य होते हैं, बोली, सीख ली, और जो कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट रख देते हैं उनके सामने तो 1 या 2 बार प्रैक्टिस करने के बाद सीख जाते हैं, ठीक है। एक और चीज़,
ये इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 90 से 109 तक के जो सामान्य बालक रखे थे ना, वो टर्मन ने कहा था, ठीक है, टर्मन ने रखा था। तो आप लर्न कर लेना, पूछ लेते हैं एग्जाम में कि किसने दिया था, ये टर्मन ने दिया था। और इन्होंने 1500 बच्चों पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उसके बाद इन्होंने कहा था कि जो 120 से ऊपर के बच्चे होते हैं ना, जो 120 वाली जो आईक्यू लेवल के बच्चे होते हैं, ऊपर के बच्चे, वो क्या होते हैं, वो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं। ये बात भी हमारे टर्मन ने कही थी। जब इन्होंने सामान्य का दिया था 90 से 109 टर्मन ने, तो 120 से ऊपर वाले सभी बच्चों को इन्होंने क्रिएटिव चाइल्ड बताया था। ओके, उसके बाद आता है 110 से 119 तक, ये श्रेष्ठ यानी कि सुपीरियर बच्चे होते हैं सामान्य से ऊपर। सामान्य से ऊपर वाले कैसे बच्चे होते हैं, ये थोड़े सुपीरियर होते हैं, मतलब इनको थोड़े क्रिएटिव भी होते हैं, सीखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जल्दी सीख जाते हैं, खुद का दिमाग ज़्यादा चलाते हैं। मतलब ऐसे नहीं होता है कि अगर मैं हूँ सामान्य की और मेरे सामने कोई ऐसी चीज़ लेकर आई जाए जो मैंने इससे पहले ना सुनी ना पढ़ी, तो मैं उस चीज़ का वेट करूँगी कि कोई मुझे समझाए या मैं खुद पढ़ूँ कि वो चीज़ क्या है, ठीक है, फिर उसके बारे में जानूं। लेकिन जो थोड़े सुपीरियर बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं, वो उसके पॉइंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनके मीनिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं कि वो चीज़ क्या है, वो जानने के इच्छुक रहते हैं और उनको वो पहले से ही क्या है अपने माइंड में प्रिस्क्रिप्शन या कुछ ना कुछ थॉट्स डेवलप कर लेते हैं। जो उसके आसपास की चीज़ें होती हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं, जिससे बच्चा क्या है अपने आप ही थोड़ा उसका अर्थ ग्रहण करने की कोशिश करता है बिना पढ़े या समझे, ठीक है। सुपीरियर बच्चे पता चल गए आपको, 110 से 109 वाली कैटेगरी के जो आईक्यू लेवल है उसमें आपके सुपीरियर स्टूडेंट आते हैं। फिर आता है आपका 120 से 139 तक अति श्रेष्ठ, यानी कि वेरी सुपीरियर बच्चे, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर स्टूडेंट्स होते हैं। और उसके बाद आता है 140 या इससे अधिक, यानी कि प्रतिभाशाली जीनियस बच्चे, हर फील्ड में जीनियस, किसी भी फील्ड में डाल दो, क्या वो स्पोर्ट्स हो, एथलीट्स हो, एकेडमिक हो, स्कॉलर हो, किसी भी चीज़ में वो आपको फर्स्ट पे ही नज़र आएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं लर्न करने के, लास्ट है 20 से कम जड़ बुद्धि, आपको पता होना चाहिए जड़ बुद्धि बालक कौन से होते हैं 20 से कम। उसके बाद आता है 70 व 79 तक के सीमांत यानी कि बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट्स होते हैं। उसके बाद आता है 90 से 109 तक वाले हमारे सामान्य बच्चे होते हैं। आप इनको मैं बाबा बोल रही हूँ, को रिलेट करके पढ़ना, नहीं तो भूल जाओगे कि कौन सी कैटेगरी वाले कौन से बच्चे होते हैं, ठीक है। उसके बाद 120 आप याद रखिए कि सुपीरियर स्टूडेंट्स, क्रिएटिव स्टूडेंट्स होते हैं, टर्मन ने कहा था, किसने कहा था, टर्मन ने, याद रखना। और जो 90 से 109 तक के बीच सामान्य बालक के बारे में कहा था, ये भी टर्मन ने कहा था, ओके। तो ये वाली टेबल आपने पढ़ ली है, मैंने आपसे इससे पहले मतलब इसी क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो कमेंट सेशन के थ्रू मेरे को बताइए कि उसका आंसर क्या है, 3-फैक्टर थ्योरी हमारी किसने दी है, एंड रिवाइज कर लीजिएगा प्रॉपर। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके बारे में पूछूंगी कौन सी क्या बुद्धि यानी कि आईक्यू लेवल के अंदर कौन सा बच्चा रखा जाता है। और ज़्यादा वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, उसको मत भूलना। और जो हमारा KVS PGT का कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है, वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल। थैंक यू सो मच।